वो देखो भाई मशीन है ना, जहाँ पर धान गिरे पड़े हुए हों उनको बिठा लेती है, और चलने में रंग ढंग चाल लाल देखो भाई मशीन का, इतना ज़बरदस्त चल रही है मशीन। और पीछे देखो आप गहरे बना बना गिरन लाग रही है। तो हम अपने कस्टमर को सामान बेच कर भाई उसके पास जाते भी हैं भाई, तुम्हारे दिए हुए सामान में कोई फॉल्ट तो नहीं है, पूरी इंक्वायरी बंदे से करते हैं कि भाई जैसा सामान हमने आपको दिया है क्या हम अपनी ज़बान पर खड़े थे। तो ये मशीन भाई मेरे यार दोस्त ने मंगाई है दीपक ने वियतनाम से, और इन कस्टमरों को हमने सेल कर रखी थी। तो जिन जिन कस्टमरों को हमने सेल करी ना उसका पूरा रिजल्ट आपको दिखाऊंगे। ये देखो भाई किस तरह से चल रहा है पूरा का पूरा प्रोसीजर, और पीछे की साइड आप देख सकते हो चाल डाल देखो भाई मशीन की, तो भाई ज़बरदस्त लागी मशीन हमने। दो बाकी अपनी चीज़ में हम नहीं सरा होंगे अपने मुँह से, आपको बताना होगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी भाई। ले भाई पहले तो ना आपको दिखा दिए कि मशीन का अनाज कैसा निकलता है इस मशीन का, ये देखो। और ये देखो ओगर भी लंबा हो जाता है भाई, ये देखो ओगर लंबा हो गया पीछे से, ऐसी मशीन नहीं देखी होगी आज तक आपने जैसी मशीन ये है। ओगर देखो कितना लंबा हो गया इसका, जब सारा अनाज बाहर निकलेगा ना अभी देखो थोड़ा और लंबा कराएंगे। देखो ये आपको दिख रहा होगा ऊपर कितना लंबा हो लग रहा है, ये भाई जापानी कंबाइन है ISEKICK 698 और ऊपर तो पहली बार देखा होगा आपने मशीन का छोटा बड़ा होते हुए, साबत पराली निकालती है और बहुत बड़ा कटर इसका है। और अनाज दिखा दूँ आपको कैसा अनाज निकाल रही मशीन, ये लो बिल्कुल साफ सुथरा अनाज है भाई, तो अभी आपको कंबाइन के ओनर से भी मिलवा देंगे और कंबाइन के बारे में सारी बात करेंगे। और ये वही कंबाइन है भाई जो हमारे दोस्त ने वियतनाम से भेजी थी और हमने कस्टमर को सेल करी थी, तो इसका पूरा रिव्यू करेंगे। ये कंबाइन 1 नवंबर से भाई हरियाणा में चल रही है, तो आपको पूरे की पूरी चीज़ दिखा देंगे। आ जाओ रे ने इंट्रो करेंगे नहीं ले। नमस्कार जी, थोड़ा मशीन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ये मशीन जैसे हमने मंगवाई थी दीपक भाई से कह गए आपके लिए, तो मशीन आप लगभग 1 नवंबर तक चला रहे हो है ना, तो एक दिन में कितने किले काट दो आप? छोटा मोटा ब्रेकडाउन या तो 10-12 एकड़ काट देती थी। 12 एकड़ कट जाए दिन में? रात में किस टाइम तक चला ले हो? रात ने इसने तो चाहे बड़े नॉन स्टॉप है मशीन, नॉन स्टॉप मशीन। अच्छा फीचर की बात करें इसमें कौन कौन से फीचर आए? फीचर बहुत ज़्यादा हाँ अपना समझ में को नहीं, इतने फीचर है अगर समझ में आ जाए ना पूरी मशीन है तो ऐसी मशीन नहीं को नहीं। अच्छा जैसे मशीन हमने आपको दिखाई थी वीडियो में या फोटो में पहले सेल करने से पहले, तो वैसी मशीन पाई ना? वैसे ही। तो मतलब आप संतुष्ट हो? इस मशीन से भी अच्छी पाई, मशीन से संतुष्ट हो? बोले संतुष्ट बोले। तो चलो इसमें एक बार आप चलाइए ड्राइवर उतार के और हमारे को बताना इसमें कौन कौन से फीचर आपने इसमें पाए हैं। एक तो हमने देखा ही था किसान भाई को जैसे अगर छोटा बड़ा हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए आगे से भी वैसे। अच्छा ऐसे आगे से भी घूम जाए? एक बार उसको बोल के घुमाइए आगे से। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होकर का एक बटन दबाओगे अपने आप दाना वापस आएगा ये ओगर। हाँ जब स्टार्ट है इसका ऑटोमेटिक दबाओगे। अच्छा ऑटोमेटिक जब फोल्ड होता है बंद होता है ऑटोमेटिक वहीं पर जाओगा? अच्छा वहीं पर जाकर रुक जाएगा, ये भी फीचर बढ़िया है। नहीं तो कई बार क्या होता है ज़्यादा लग जाए तो उस पर छतरी पड़ना खतरा हो जाए ना। मैं इतना ऑटोमेटिक सिस्टम अगर कोई माले रूप के नीचे भी टैंक करता हूँ तो रूप पे ऐसे अगर थोड़ा बहुत भी लग जाएगा ना तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अच्छा ओकर मतलब ऑटोमेटिक वो देखो घूम गया भाई सिस्टम, इसमें कोनू कोनू में टूट फूट हो जाएगी। अच्छा सेंसर में कट जा तो रुक जाएगा? हाँ वो देख लो भाई सेंसर के साथ में, सॉरी ओकर का कैसे मुँह घूमने लग रहा है हमने दिख गया होगा। और छोटा बड़ा तो पहले स्टार्टिंग में हमने दिखाई दिया था आपको। अच्छा पराली भी इसमें
ਗੈਰੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਗੇਰਦੇ ਹੈ ਗੈਰੇ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਗੇਰਦੇ ਹੈ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਹੈ ਯਾ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੈਸੇ ਇਹ ਕੈ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਤਿੰਨ ਰੋ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸਮੇ ਇਸਮੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਿੰਨ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਐਚਪੀ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਯਾ 100 ਐਚਪੀ ਕੀ ਹੈ 100 ਐਚਪੀ ਕੀ ਹੈ ਮਸਤ ਚੱਲਣ ਮੈਂ अगर डीजल खर्चे की बात करें किसान भाई डीजल खर्चे के बारे में खर्चा तो देख ड्राइवर पर डिपेंड करता है ज्यादातर तो अच्छा अगर अगर सही ड्राइवर हो तो हमारे 6-7 लीटर डीजल खर्चा होगा 6-7 लीटर हाँ वैसे 9-10 आ जाए क्यों ड्राइवर नहीं है फिलहाल इसके कोई मुसी नहीं है इसको पता नहीं तड़ 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 हल्की हल्की चलाई जाता है टाइम के हिसाब से खाती है टाइम के हिसाब से 1 घंटे में 10 लीटर तेल खाती है 1 घंटे में आप 1 की 1 एकड़ की कटाई करो या 1.5 की करो या 2 की करो हमारे कैपेसिटी 1 घंटे में 1.5 एकड़ की कटाई कर देगी एक बार इन्हें फोल्ड कर देखो भाई जैसे देखो ऑटो का बटन दबा दे फोल्ड हो गया पीछे और ये देखो अपने आप जाकर अपने वो ओके जगह पर रखा जाओगा यू तो आज एक बार मशीन यही खड़ी है ना मशीन के बारे में बताओ थोड़ा सा ले भाई घुमा दी ड्राइवर ने कितने तो रोक ले एक बार ही रोक ले बंद कर ले ये भाई ड्राइवर चला रहा है इसको बाकी देखो आगे से ना तीन रो वाली मशीन बोली जाओगी वो और कंपनी का नाम दिखा दे आगे लिख रहा है जापान इसकी है और भाई ये देखो इसकी ना यहाँ पे हेडलाइट है ये री इस तरह की हेडलाइट देखोगे 4 हेडलाइट है और इस तरह से एडजस्ट है जब हम कटर को नीचे गिरेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है और ये इस साइड से भी दिखा दें आपको मशीन ये देखो भाई तो इसका इंजन तो यहीं फिट होता होगा तो इंजन दिखा उसको खोल को दिखाओ एक बार ये देखो भाई यहाँ पे इंजन इसका है फोल्डिंग मशीन है कोई खोल ले मशीन अच्छा इसका टैंक वगैरह भी बाहर की साइड खुल जाता है ना है ना ये भी दिखाइए खोल के ले भाई ड्राइवर सीट के नीचे इसका इंजन है बहुत ज्यादा लग रही है ना ये तो बाहर जा रही है सेफ्टी बाहर जा रही है सेफ्टी के लिए अंदर कौन सा रेडिएटर हां ये दिख रही है ना ये बाहर की साइड है जाली बाकी देखो इंजन यहां पे है ये वाली जाली और हटाइए कपड़ा टेक भाई इंजन का अच्छा टर्बो इंजन है टर्बो इंजन 4 सिलेंडर में 100 एचपी में 100 एचपी में बढ़िया है चीज तो करो इसको बंद कर लो इंजन के लिए सेफ्टी पूरी दे रखी है ना इंजन के लिए भी इंजन की वास्ते ड्राइवर के लिए भी सेफ्टी है हाँ एक बार ये और दिखाओ फिर खोलगा ये लो भाई पूरा का पूरा खुल जाता है इधर ऐसे ये पूरी अनाज की टंकी खुल जाती है अच्छा इधर से दिख जाता है इंजन ये देखो आप इस साइड निकले ये लो भाई इंजन का अगर हमने कुछ भी काम चीज देखनी है ना तो ये इंजन का साइड देखो सारी की सारी ये देखो ये रूटर पंप है इसके ऊपर और ये इसका आप देख सको इंजन 4 सिलेंडर में टर्बो साइड दिख रही थी अल्टरनेटर वगैरह दिख लग रही इसके और भाई ये इसके देखो सारी हर जगह पे ना सेंसर है देखो सभी ऑटोमेटिक सिस्टम बटनों से होता है और इलेक्ट्रिक मोटर है ना ये रिमोटर देखो ये लग रही मोटर ये सेंसर ये सारे सॉकेट वगैरह मतलब पूरी की पूरी सेंसिंग तो मशीन चल रहे हैं और ये इसका उगर का ऊपर का सिस्टम दिखाई दिया मैंने आपको ये पीछे ये अनाज की टंकी है भाई और ये बर्मे को चलाने के लिए आगे से देखो पीछे तक सॉपट इसकी और मशीन की कंडीशन देखो यार आप ये क्या चीज़ इसमें ऑयल वगैरह हाइड्रोलिक टैंक है इसका ऑयल का अच्छा ऐसे मशीन आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल वाले ने दिखाई होगी भाई खोल कर पूरी तो ये देखो मैं थोड़ा पीछे हो गया को ऐसा है ना वैसे मशीन दिक्कत होती है हां काम कैसे करेंगे हां वैसे सुविधा मशीन के अंदर है कि सारी फोल्डिंग हो जाए मशीन सारी फोल्डेबल मशीन है ये देखो मैं थोड़ा पीछे होकर दिखाता हूँ आपको और आप नोट कर देखो अनाज की टंकी ने खोल रखी है ड्राइवर की छत भी उस साइड चलेगी सीट यहीं रहेगी पूरी की पूरी मशीन इस तरह का मशीन शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको दिखाई हो खोल गई इतनी डिटेल से शायद ही कोई वीडियो बनाता होगा तो बने रहो वीडियो के साथ में जब तक ये बंद कर देते हैं कर दो बंद इसने देखो इधर भी सेंसर वगैरह हैं भाई सारे ये देखो जैसे एक सेंसर ये यहाँ पर लग गया नीचे की साइड में ये हो गया यहाँ पे फिर एक ये यहाँ पर हो गया भाई एक यहाँ पर हो गया कि ये इससे लेवल वगैरह का पता लगता रहा कितनी टंकी भर गई पूरा वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है मतलब मस्त लग गया आपने जैसी मशीन से कई भाई यूँ कहते हैं भाई सेंसर वाली मशीन ने तंग ना करती हूँ ना सेंसर बढ़िया सिस्टम है बढ़िया है वो ज्यादा धक्का नहीं कर सकते अपने ऑटोमेटिक रुक जाएगी ज्यादा धक्का करेगा हाँ मतलब ज्यादा कोई फॉल्ट होगा तो मशीन अपने आप रुक जाएगी एक मिनट चलिए मत भाई बे ये देखो भाई इसी की जापान 698 है मस्त आइटम इसका इसकी टैंक बहुत बड़ा है डीजल टैंक है अच्छा नाथ वाली टंकी 1 किलो में कई बार भरा है ये 2 बार भरेगी बस 2 ही बार 24 बना है
अच्छा 23-24 मन धान आ जाते हैं। बाकी सारे चाइनीज देखते हैं। अच्छा इसके बारे में बताओ, पीछे आ गए ना हमारे को, ये पराल का क्या सिस्टम है गहरा का? क्योंकि इसमें नहीं देखो यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, ये जितना छोटा बड़ा गहरा करना था, और ज्यादा भारी गिरना है तो और ऊपर उठा दो इसको। अच्छा जितना भारी गिरना है इतना ऊपर उठा दो, इतना ऊपर उठा दो, उतना नीचे करोगे उतना हल्का गहरा रखना, उतना हल्का बना दे तो इसके ऊपर आगे पड़ जाए पीछे ना। ऊपर रुक के सेटिंग सिस्टम दे रखा है, गहरा का जितना वजन करेंगे उससे हिसाब से वजन होगा, हर वजन के हिसाब से ये। हाँ ये देखो किसान भाई, देखो कैसे जैसे आपने पुड़े बंधने ना, तो ऐसे गहरा के हिसाब से गिरेगी, कट कट के देखो पीछे अपना दिख रहा होगा। तो आप एक बार ऊपर आ जाओ और चला के दिखाओ मशीन हमने, और बाकी जैसी मशीन हमने आपको दिखाई दी मशीन तब खुश से हो ना आप भाई, एक बार अपने कस्टमर का रिव्यू तो ले ले मैं ना, तो नुको होगा मारता मशीन तो बेचती बुझे भी नहीं। एक बार और बता दो नरेश जी, मेरा नाम राशि है भाई, जैसी मशीन आपको फोटो में दिखाई थी बेचने से पहले, मशीन में कोई कमी तो नहीं लिखी मारे व्यवहार में? मशीन उससे भी अच्छी है, उससे भी अच्छी है। चलो भाई एक बार दिखाओ, फिर चला के दिखाओ हमें, तो भाई दिखाऊंगा मशीन चलते हुए। तो मशीन का पूरा रिजल्ट अपना दिखाऊंगे। कुछ किसान भाइयों के मैसेज थे, फ़ोन थे कि नरेश भाई मशीन आपने चलती हुई तो दिखाई नहीं खेत में, और कुछ किसान भाई खरीदने की भी कह रहे थे। तो भाई हमने 5 मशीनें तो सेल कर दी, 3 मशीनें हमारी और आनी है, वो अगर कोई किसान भाई लेने का इच्छुक हो ना तो हम उसको दे देंगे वो। और देखो भाई तकरीबन धान है ना गिरा हुआ था, उल्टा सुलटा था, ये देखो भाई मशीन ये रंग रंग चाल डाल जापान 698 गियर बदल दिया भाई ड्राइवर ने, ये देखो अब देखो चाल। चाल डाल देखो भाई मशीन बड़ी स्पीड से चल रही है, सर नहीं होगा क्या मेरे को जाना था पहले धागे ने। ये देखो भाई असली रिजल्ट, अब देखो गिरा हुआ धान है और कितनी स्पीड से चले और उठा लिया, ये है भाई मशीन का असली रिजल्ट। एक काम करे उल्टी घुमा ले गेड़ा, यो यहीं से घुमा दी भाई हमने, कूड़े तो ले आइए ना तो प्रेम पे। अब दिखाओगे भाई मशीन, आप पीछे से देखो आप के कैसे गहरे गिर रही, और फिर मैं बराबर में ना रह गए आपको चैन चलती हुई दिखाऊंगा। हेलो कूड़े तो ले आइए उल्टा उड़े पे, तो देखो भाई मशीन है ना, जहाँ पर धान गिरे पड़े हुए हों उनको बिठा लेती है, और चलने में रंग रंग चाल लाल। देखो भाई मशीन का इतना ज़बरदस्त चल रही है मशीन, और पीछे देखो आप गहरे बना बना गिर लाग रही है। तो हम अपने कस्टमर को सामान बेच के भाई उसके पास जाते भी हैं भाई, तुम्हारे दिए हुए सामान में कोई फॉल्ट तो नहीं है, पूरी इंक्वायरी बंदे से करते हैं कि भाई जैसा सामान हमने आपको दिया है क्या हम अपनी ज़बान पर खड़े थे? तो ये मशीन भाई मेरे यार दोस्त ने मंगाई है दीपक ने वियतनाम से, और इन कस्टमरों को हमने सेल कर रखी थी, तो जिन जिन कस्टमरों को हमने सेल करी ना उसका पूरा रिजल्ट आपको दिखाऊंगे। ये देखो भाई किस तरह से चल रहा है पूरा का पूरा प्रोसीजर, और पीछे की साइड आप देख सकते हो चाल डाल देखो भाई मशीन की, तो भाई ज़बरदस्त लागी मशीन हमने दो। बाकी अपनी चीज़ें हम नहीं सराहोंगे अपने मुंह से, आपको बताना होगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी भाई। तो अभी आ जाओगी उस साइड लंबे में, हेलो अच्छा चलो भाई गिरे हुए के हिसाब से करना पड़ा, जैसे साइड गिरा था ना तो ऐसे चलेगी मशीन दोबारा, फिर कब लू देखो भाई जो रिजल्ट हमने आपको फिर दिखाए ना मशीन के, क्या मशीन कामयाब है, और चाल डाल देख लो भाई मशीन की। तो
सर भाई अगर आप भी इस तरह की मशीन हमारे से लेना चाहते हैं तो भाई आप संपर्क कर सको, हमारी 3 मशीनें और आने वाली जल्दी ही, और वो मशीन हम आपको दिला देंगे। तो मिलेंगे किसान भाई किसी नए स्टूडियो में। हेलो, तो भाई मशीन आपको दिला देंगे और दिखा भी देंगे कि मशीन कैसी। तो भी किसान भाइयों को वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दे ताकि अन्य किसान भाइयों को भी हम इस वीडियो का लाभ दे सकें।